कि एमपी उसको कॉमन सेंस नहीं है कि मरीज शाहबाद से पाप गुलबर का आना, मरीज शाहबाद से वाड़ी जाना, शाहबाद के लोगों का तकलीफ का अगर छोटा सा भी आपको उसके बारे में एहसास है। जो बोलते हैं बीजेपी सरकार डबल इंजन का सरकार है, उमेश जाधव साहब जो हम एमपी बोलते हैं ना, उसका मतलब है मनवी पत्र उमेश जाधव। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये मनवी पत्र उमेश जाधव है। शाहबाद में पहले ट्रेन को स्टॉपेज करो, बाद में आप प्लेन के बारे में सोचो। आप ये जो रेलवे एम्प्लॉयज आते हैं ये इतने चालाकी करते हैं कि जो भी शाहबाद को ट्रेन रुकते हैं उसमें जनरल के डब्बे पूरे निकाल दिए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्थ कर्नाटका'स मोस्ट अवेटेड विंटेज रिट्रीट रिसोर्ट इज नाउ ओपन एट बिदर। विलास एंड कॉटेजेस, स्विमिंग पूल एंड कॉकटेल लॉन्च, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, बोट डाइनिंग, सनसेट व्यू पॉइंट, वेरियस सेल्फी पॉइंट्स एंड मच मोर। आज हम गुलबर्गा के हेडलाइंस के माध्यम के तरफ से सभी ये चैनल के व्यूवर्स को हम नमस्कार करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो शाहबाद के बारे में है। शाहबाद एक ऐसा तालुका है जो सबसे एक इग्नोर हुआ सो एक तालुका है, तो जो नज़रअंदाज किए हैं चाहे वो गुलबर्गा के लोग हो या उस तरफ के चितापुर के लोग हो, सबसे उसको इग्नोर किया गया है इतने सालों से। शाहबाद तालुका जब रचना हुआ था तो तभी से यहाँ पे सभी ऑफिस आना था, सभी जो तालुका के हेडक्वार्टर में जो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए था वो सभी आना था, लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। तो आज का एक मैं प्रमुख विषय आपसे बात करना चाहता हूँ कि शाहबाद में सबसे बड़ा जो मसला है वो रेलवे का है। कोविड से पहले वहाँ पे जो रेलवे जो ट्रेन वहाँ से गुजरते थे वहाँ पे स्टॉप होके गुजरते थे, लेकिन कोविड के बाद वहाँ पे ट्रेन का रुकना अब बिल्कुल बंद हो चुका है। ये जो हम ट्रेन बोलते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, खाली ट्रेन का मसला नहीं है। ये जो ट्रेन नहीं रुकता है इससे बिजनेस भी होता है, कॉलेज के बच्चे उससे ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, जो पेशेंट्स है जिसको हैदराबाद को जाके हार्ट किडनी ब्रेन का सर्जरी करना है तो वो हैदराबाद को जाना चाहते हैं, जो व्यापारी है वो हैदराबाद को जाना चाहते हैं, गुलबर्गा को आना चाहते हैं, जो फार्मर्स है जो रईत लोग हैं उनको भी जाने आने का बीज फर्टिलाइज़र गोबर वो भी लाने का रहता है। जो सेंटर प्लेस था शाहबाद, जिसका एक अच्छा इमेज था शाहबाद पे रुक के जो लोग ट्रैवलर शाहबाद को आके खरीदारी करते थे, वो सब कुछ ठप हो गया है। जो बोलते हैं बीजेपी सरकार डबल इंजन का सरकार है, जब रेलवे का सब्जेक्ट आता है तो वो केंद्र में आता है, वो केंद्र का सब्जेक्ट है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि उमेश जाधव साहब, आप जब एमपी होके चुने हैं शाहबाद में जाके जो भी भाषण में आप जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी वादा किए हैं शाहबाद के लोगों को, उसके बाद ना एक बार भी आपने शाहबाद को विजिट नहीं दिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि शाहबाद में जो गुलबर्गा से शाहबाद को जो गुलबर्गा से हैदराबाद को जो ट्रेन जाता है, जो ट्रेन नंबर है वो है 1107 और 1108। ये गुलबर्गा से शाहबाद को जाने वाला रेलगाड़ी है, कोविड से पहले जाता था अब बिल्कुल बंद हो चुका है। और ट्रेन नंबर 22731 22732 जो हैदराबाद एक्सप्रेस हम बोलते हैं, सागर एक्सप्रेस है, और ये जो जाता था ये भी अब बंद हो चुका है। रेलवे के लोग इतने चालाक है, वो ना स्टेट डिपार्टमेंट में आते हैं, वो केंद्र के डिपार्टमेंट में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अधीन में ये जो रेलवे एम्प्लॉयज़ आते हैं ये इतने चालाकी करते हैं कि जो भी शाहबाद को ट्रेन रुकते हैं उसमें जनरल के डब्बे पूरे निकाल दिए। जो हम जैसे गरीब लोग जाते हैं वो जनरल डब्बे में ही जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रहता है। शाहबाद से हम वाड़ी को जाना है, शाहबाद से गुलबर्गा को आना है, शाहबाद से मरतुर को जाना है, जो भी हमारा छोटा मोटा सामान माल मटेरियल बिजनेस के लोग पेशेंट के लोग हैं ना, वो ना एसी में जाने वाले ना स्लीपर में जाने वाले, 2 घंटा का रास्ता रहता है, बैठ के जाने का रहता है। लेकिन ये चालाकी जो रेलवे डिपार्टमेंट करे है ना, ये चालाकी क्या करे बोल तो स्लीपर का बोगी बढ़ाए है, एसी का बोगी बढ़ाए है, और जो जनरल के डब्बे वो निकाल दिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलवे का स्टॉपेज ही निकाल दिए है।
तो इससे क्या मैसेज जाता है, आपका जो डबल इंजन सरकार है ना, वो डबल इंजन सरकार फेलियर हो चुका है। और मैं उमेश जाधव के पास, जो हमारे MLA बसवराज मत्ती मोड़ साहब, वो बहुत बार गए हैं, और वहाँ के शाहबाद के जो प्रेसिडेंट है इंगिन शेट्टी साहब, वो भी बहुत बार गए हैं, जाके इनके सामने गिड़गिड़ाए हैं कि ये रेलवे को रुकाओ बोल के। लेकिन उमेश जाधव साहब, जो हम MP बोलते हैं ना, उसका मतलब है मनवी पत्र उमेश जाधव, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये मनवी पत्र उमेश जाधव है। इनके जो पावर्स है ना, इनको शाहबाद में ट्रेन रुकाने के लिए नहीं हो रहा, और ये बात करते हैं मैं प्लेन यहाँ पे नया प्लेन लेके आता हूँ बोल के। उमेश जाधव साहब, पहले ट्रेन को रुकाओ यहाँ पे शाहबाद में, पहले ट्रेन को स्टॉपेज करो, बाद में आप प्लेन के बारे में सोचो। आप जो है ना, ये हमको मालूम हुआ है कि जो मुसलमान लोग शाहबाद में है वो BJP को वोट नहीं डालते, मैं इनका काम क्यों करूं बोल के उमेश जाधव साहब का एक स्टैंड है, ये हमको मालूम हुआ है। इसीलिए उमेश जाधव साहब, इनको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। हमारे गुलबर्गा के जो लोगों का बदकिस्मत है, जो MP होने के लिए लायक नहीं है, जिनके पास सोचने का एक छोटा दिमाग भी नहीं है, जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे लोग, वैसे आदमी को हम MP बोल के चुने हैं। और वैसा एक MP, उसको कॉमन सेंस नहीं है कि मरीज़ शाहबाद से पाप गुलबर्गा आना, मरीज़ शाहबाद से वाड़ी जाना, जिसको किडनी है, जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका आँख नहीं है, वैसा लोग आपके एक जो बैड पॉलिटिक्स है, जो खराब राजनीति है, उसका शिकार हो के वहाँ के स्टूडेंट, मजदूर, पेशेंट, गरीब, आवाम, ये डिफ़िकल्टी फेस करने का नौबत आज आ चुका है। इसलिए उमेश जाधव साहब, कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपका जो मनवी पत्र है ना, वो मनवी पत्र जाके फिर मोदी साहब को कल आप स्टेज पे दे दीजिए, और बोलिए कि यहाँ पे शाहबाद आपका जो है, आपके हाथ से तो कुछ काम नहीं होने वाला, आपका हाथ से ना कंपनी लाने का होता है, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, ना गुलबर्गा के तरक्की के लिए एक काम भी नहीं होता है आपसे। आपको एक मनवी पत्र देने का एक जो आपका आदत है, वो कल नरेंद्र मोदी साहब को स्टेज के ऊपर आप मनवी पत्र दे दीजिए, और बोलिए कि जो शाहबाद को ट्रेन का स्टॉपेज जो कैंसिल हुआ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, लोकमान्य तिलक, नागरकोइल, एग्मो, राजकोट, कन्याकुमारी, कोणार्क, मदुराई, सोलापुर, गुंडकल, ये सभी जो ट्रेन कैंसिल हो गए हैं शाहबाद पे रुकने का, इनको तुरंत चालू कीजिए। ये गुलबर्ग हेडलाइन के माध्यम से आपको ये वीडियो पहुंचना चाहिए। शाहबाद के लोगों का तकलीफ का अगर छोटा सा भी आपको उसके बारे में एहसास है, तो इमीडिएट आप जाइए, फ़ोन कीजिए रेलवे डिपार्टमेंट को, बोलिए मोदी साहब को, बोलिए रेलवे मिनिस्टर को, और ये आप श्योर कीजिए कि 100% ये ट्रेन स्टॉपेज होना चाहिए, और अगली बार जब आप वोट मांगने होता है तो आपका मुंह रहना चाहिए शाहबाद के लोगों से बात करने के लिए। तो इतना बोल के मैं उमेश जाधव साहब को ये काम करने के लिए ये माध्यम के तरफ से मैं आपको आग्रह करता हूँ।